नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर कॉमन सर्विसेज। और आज देखते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। तो कुछ क्वेश्चन को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द मेका ऑफ रॉकेट साइंस ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये किसको कहा जाता है, कौन से जगह को? तो इसका आंसर होगा सेंट मेरी मैकडोनल चर्च, थुम्बा, केरल। आगे बढ़ते हैं। नेम द नेशनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ इंडिया। जी हाँ, अभी तक आपने नेशनल एनिमल सुना होगा, नेशनल फ्लावर सुना होगा, लेकिन पहली बार बताइए द नेशनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ इंडिया। तो उसका आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। जी हाँ, मिल्क को कर्ड में जो कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है वही है हमारा नेशनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। द जियो स्टेशनरी सेटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन विच ऑर्बिट एंड एट विच हाइट फ्रॉम द अर्थ। तो आंसर देखते हैं। तो वो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो होता है वो सर्कुलर ऑर्बिट में फिट किया जाता है और 36,000 किलोमीटर अबव द अर्थ। आगे देखते हैं। द रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट ऑफ ई आर यूज फॉर ग्राउंड वाटर, मिनरल, मैपिंग या ऑल। तो उसका आंसर होगा ऑल अब द अबव। चलिए देखते हैं। विच वन इज यूज फॉर द बोथ कूलेंट एज वेल एज मॉडरेटर। तो आपने पता होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने के लिए उसमें कूलेंट और मॉडरेटर की तरह कौन सा ऐसा चीज है जो दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आंसर होगा हैवी वाटर, D2O। आगे देखते हैं। डेंगू, चिकनगुनिया और जीका वायरस इज कॉज ड्यू टू। जी हाँ, डेंगू, चिकनगुनिया और जीका ये किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो गया एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। आगे देखते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्वाइन फ्लू एंड बर्ड फ्लू। जी हाँ, तो बर्ड फ्लू को कहते हैं H5N1 और स्वाइन फ्लू को कहते हैं H1N1। आगे देखते हैं। द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। जी हाँ, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज क्या है? वो है सनवे तिहान लाइट। इसका स्पीड है 93 पेटा फ्लॉप्स। आपको बता दें फ्लॉप्स का स्पीडिंग फुल फॉर्म होगा फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। ये सुपर कंप्यूटर की स्पीड को मापने का एक यूनिट है। आगे देखते हैं। द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। जी हाँ, इंडिया के देख लिया जाए, इंडिया का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन है? वो है सहर्ष टी और ये IISc बेंगलोर के द्वारा डेवलप किया गया है। उसका स्पीड क्या है? 1.4 पीटा फ्लॉप्स। आगे देखते हैं। द स्पेस रिसर्च स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग। जी हाँ, स्पेस रिसर्च जो इंडिया में स्टार्ट हुआ है वो कब स्टार्ट हुआ? वो हुआ अर्ली 1960s में। आगे देखते हैं। द इनसेट या जी सेट कम्युनिकेशन सेटेलाइट बिल्ट और इंट्रोड्यूस्ड इन कौन से साल में इंट्रोड्यूस हुआ है? इनसेट या जी सेट कम्युनिकेशन सेटेलाइट वो इंट्रोड्यूस हुआ आपको 1983। जी हाँ, कैसे याद रखेंगे? 1983 वर्ल्ड कप के दौरान। और IRS दैट इज इंडियन रिमोट सेंसिंग वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1988 में। चलिए आगे देखते हैं। नेम द इंडियन सेटेलाइट यूज फॉर GPS नेविगेशन। जी हाँ, कौन सा इंडियन इंडिजिनस सेटेलाइट है जो कि GPS नेविगेशन के लिए काम आता है? वो है नाविक। जी हाँ, ये इंडियन नेवी द्वारा डिजाइन किया गया है और ये है IRNS सेटेलाइट के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। द चंद्रयान वन गेव द ब्रेक थ्रू अबाउट। जी हाँ, चंद्रयान वन आपको पता होगा 2008 में लॉन्च किया गया था, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी उसने एक ब्रेक थ्रू पॉइंट दिया था। वो ब्रेक थ्रू पॉइंट क्या है? जी हाँ, वो ब्रेक थ्रू पॉइंट है दैट द लॉस ऑफ वाटर ऑन मून, मतलब चंद्रमा पर पानी की कमी को दर्शाता है। आगे देखते हैं। वाट इज द हाइट रेंज ऑफ अर्थ एटमोसफियर। जी, हमारा अर्थ एटमोसफियर है वो कितने हाइट तक ऊपर फैला हुआ है? तो वो है अप टू 400 किलोमीटर। और 400 किलोमीटर के ऊपर अगर हम जाएंगे तो वो आउटर स्पेस शुरू हो जाएगा। आगे देखते हैं। व्हाट इज द लैग्रेंजेस पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस साइंस। स्पेस साइंस में लैग्रेंजेस पॉइंट क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका आंसर होगा जहां पर कि अर्थ ग्रेविटी और सन ग्रेविटी जिस पॉइंट पे बराबर होते हैं आउटर स्पेस में, उस पॉइंट को कहते हैं लैग्रेंजेस पॉइंट। चलिए देखिए। अच्छा,
मॉम यानी कि मार्स ऑर्बिटल मिशन और चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? तो वो लॉन्च किया गया था 2013 में मॉम को और चंद्रयान 2008 में। चलिए, लेकिन अब एक और क्वेश्चन है कि मॉम टू, जी हाँ, मार्स ऑर्बिटल मिशन टू और चंद्रयान टू कब शेड्यूल किया गया है लॉन्च करने का? तो उसका आंसर है मॉम टू को लॉन्च होगा 2020 में और चंद्रयान को लॉन्च किया गया है 2018 में। ये टेंटेटिव डेट्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रेंज एरिया ऑफ ब्लूटूथ एंड वाईफाई, जी हाँ, आप ब्लूटूथ और वाईफाई बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो जरा बताइए इसका रेंज एरिया क्या है, कितना कितना होता है ब्लूटूथ का? तो बताते चले, ब्लूटूथ का रेंज एरिया जो होता है वो 10 मीटर तक काम करेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़। वाईफाई का जो रेंज होता है वो 100 मीटर होता है और इसका फ्रीक्वेंसी होगा 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज़ तक। चलिए आगे देखते हैं। विच वन कंज्यूम मोर पावर, एलईडी और एलईडी, एलसीडी होगा यहाँ पे, सॉरी ये एलसीडी होगा। तो आपको बता दें कौन सा एलईडी या एलसीडी में से कौन सा ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है? तो वो आंसर होगा एलईडी। जी हाँ, एलईडी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है एलसीडी के मुकाबले। चलिए आगे देखते हैं। आपने बहुत सारा रेजोल्यूशन सुना होगा, एचडी, फुल एचडी, क्यूएचडी, 4K वीडियोस, तो मैं ज़रा बताइए कि इनका रेजोल्यूशन क्या क्या होता है। तो देखते हैं, फुल एचडी का मतलब होता है 1080 पिक्सल, क्यूएचडी यानी क्वाड कोर हाई डेफिनेशन का मतलब होता है 4x720 पिक्सल, और 4K रेजोल्यूशन का मतलब होता है 4x1080 पिक्सल यानी कि 4x द फुल एचडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डू यू नो द मैक्सिमम स्पीड ऑफ 4G पॉसिबल? जी हाँ, आप कमेंट करके बताइए कि 4G का मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड कितना होता है। तो वीडियो यहीं तक खत्म होता है, अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।